सो हेलो, हाय, जोहर, नमस्ते सभी को। द कैप्टन 390 ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं हूँ अपने बेस्ट के साथ अभी फ्लाई ओवर के पास, और मेरे साथ जुड़ने वाले, अभी टाइम कितना हो रहा है, एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 3:44 मीन्स 4 बजते तक में शुभम लोग भी आ जाएगा। शुभम और माजिद मुझे ज्वाइन करने वाले। क्या देखने को मिल रहा है, वो लड़की बाइक चला रही है और पीछे वो बंदा बैठा हुआ है। यार ये हाईवे पे तो एटलीस्ट मत करो यार, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है यार हाईवे पे ये सब करना। वाह मेरी जान, क्या सीन है। फाइनली थ्रोटल अब्यूजर आया, फिर 1 घंटा वेट कराने के बाद ये आ रहा है। ध्यान से देखो, इसे लेट कराने वाला बंदा यही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो। गुड इवनिंग। तो शाम ढल रहा है अब और बहुत लेट हो गया हम लोग को आने में, और एक्चुअली मेरा ईवीएस फेल्ड ना हो जाए। यहाँ शुभम है और माजिद है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो 400 का तेल डलवा रहा हूँ अभी, और 3 पॉइंट कुछ ही आएगा इसमें, मुझे पता है। बोल रहा है उसके चक्का का जो हवा है ना, वो थोड़ा ज्यादा है या कम है, तो वॉबलिंग हो रही है उसे, तो उसी को देखते हुए आराम से निकलते हैं, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, सबसे ज्यादा अच्छा एंजॉय करने वाला टाइम अगर ये होता है। कल भी फील्ड आ रहा था, कल एबीएस फील्ड में स्टॉपी फिली मारा पूरा, तो एबीएस फेल्ड हो रहा है, मतलब एबीएस वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ वाला नेट पूरा लूज था, और यार ये दिक्कत वाली बात होती है। हाँ नहीं, हवा ठीक है मेरा। ओ भाई साहब, तो मजे तो आने वाले हैं आज लीन करने में। बहुत दिनों बाद अपने स्क्वाड के साथ निकले हुए हम लोग, माजिद, शुभम और सब तो अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो सभी जॉब वाले हैं, तो वो सबके पास सभी कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाती, इसकी वजह से सभी लोग नहीं आ पाते। बट जितने भी आते हैं भाई, शुभम हमेशा रेगुलर था, अभी बीच में एक बार पुलिस से पकड़ा गया था ना। कदरातू नहीं आता है जल्दी शाम के वक्त, इसीलिए हम लोग बहुत कम आते हैं राइड करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्राउड रहती है, तो उस टाइम आप चलाने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो भाई स्टार्ट हो जाओ, अब कॉर्निंग अपने लाइन में रह करके करो, कितना सुंदर। कार वाले लोग भी अगर यही चीज करे तब तो भाई मजे ही मजे हैं। देख रहे हो भाई, बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। भाई साहब सब अपने लेन छोड़ करके चल रहे हैं, और ये कार वाला खासकर। ओ भाई माजिद, यार लो एबीएस फेलियर आने लगा। अब मुझे थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा, एबीएस फेलियर आने के बाद आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप ज्यादा रस मत करो, प्यार से चलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको पदरातों में। और ये इवनिंग के लिए बात है भाई, दिन में तो कोई नहीं मानता। ये देखो फैमिली प्रोटेक्शन, पापा उनके हाथ पकड़ के पार करवा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये। अल्टीमेट भीड़ है भाई, भयानक भीड़ है ये तो। हाँ वो देखो रिकॉर्ड कर रही है कुछ, ये पुलिस वाले भगा रहे हैं, गाड़ी आ गई। हाँ भाई, भाई साहब देख रहे हो बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है। तब अगर आप पतरातू आते हो ना, तो उसके मजे ही अलग है।
सोच रहा हूँ अगर कोई भीड़ नहीं है तो किधर लगा है अमेरिसो एबीएस फेल्ड दिखा रहा है पता है सोच चेकआउट करो गाइस मींस कितना मस्त लग रहा है ये रिंग लाइट फिर क्या जी बोला हाँ और ये देखो क्या मस्त लग रहा है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है सुबह और ये देखो सबसे यूनिक क्या है ये देखो दोनों जलाना एक ही टाइम अच्छा ये देखो कितना छोटा सा एलईडी है हाँ अरे रुक जाओ विली मार रहे तू स्टॉप ही विली लड़की लोग भी देख रही है तो वो दिखाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्यार से चलते हैं एक स्टॉप ही मारते हैं एक बार और विली एक बार हो गया ना किधर से लगा है अरे आ जाओ लाइव हाँ लाइव ही है गोप्रो में लाइव ही थे फेल्ड हो गया भाई नहीं संडे को तो डेली नहीं आते बट आते रहते घूमते घामते नहीं नहीं सुबह नहीं आते मजीद ऐसे कर दे चला जाए हाँ रिकॉर्ड हो रहा है डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं ना नहीं तो फिर हाँ चलो ठीक है तो फाइनली हो गया क्या विली स्टॉपी याद रखने के लिए ना क्या क्या करने करना पड़ता है चलो तो फाइनली अब निकलते हुए यार और GoPro का बैटरी कब खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता बट ऊपर जाके चाय जरूर पीना है रात और ये रात जो हंसी है इसके क्या ही कहने भाई साहब ये रातें ये मौसम ये यहीं का सवा वाव सो ब्यूटीफुल यार चाय की टपरी गायब मुराबादी में पीते हैं चाय में देखे थे ना आप रात में देखो कैसी लग रही है ये RC 390 बीस्ट लग रही है भाई बीस्ट लग रही है साहब तो अंधेरे में ड्राइव करना वो भी कटफट मार के सुबह बहुत मैंने करता है हो भाई क्या हो गया कोई एक्सीडेंट कर गया क्या
गिर उड़ गया क्या ये लड़का लोग? कॉर्नर से हट जाओ, उधर लगाओ गाड़ी। ठीक है कोई आ रहा है ना? चलो ठीक है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है बाबू, और वहां से हट जाओ तुम लोग। ठीक है, पानी वानी पिला लो उसको आराम से, वहां पास दुकान है आगे। ठीक है चल शुभम। ओके बॉयस, हैव यू डन इट? मींस आपने कभी नाइट में पतरा तो आया हुआ है क्या ऐसे इवनिंग टाइम में? अगर हाँ तो कमेंट में एक यस और नो जरूर ड्रॉप कर देना बॉयस, क्योंकि नाइट में कॉलिंग करना उससे भी ज्यादा हार्ड होती है भाई। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ काके रोड, और उधर का जो लाइट था यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उधर बाइक चलाने में, और एक तो ABS फेल। तो अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया और